हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो में भी हम ब्लूस्टैक कीबोर्ड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने इस प्रॉब्लम के ऊपर दो वीडियो बना रखी है, पर गाइस अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके कीबोर्ड काम नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने चार ट्रिक्स बताई है और एक ट्रिक तो रिसेट करने वाला पहले का ही है, बट बाकी तीन ट्रिक्स सारे नए हैं। तो आपको इन ट्रिक्स को जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पर। मैं वीडियोस को YouTube पे इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आप एक टॉपिक पे YouTube पे मतलब बहुत सारे वीडियोस नहीं बना सकते हो। सारे चैनल के वीडियोस एक ही टॉपिक पे नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से मैं अपने साइट पे डाल रहा हूँ। मैं नीचे डाल दे रहा हूँ आपको साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कैसे जाना है मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। आपको YouTube पे और दूसरी वीडियोस नहीं मिलेंगी वो कीबोर्ड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम के बारे में, तो आपको ये देखना पड़ेगा। दो वीडियोस हैं हमारी ऑलरेडी, लेकिन अगर वो काम नहीं करता तो आपको इसी में देखना होगा। मैंने चार ट्रिक्स बताई हैं और चारों अलग अलग वीडियो में हैं, ज़्यादा नहीं 20 सेकंड करके हैं वीडियोस। और यार कमेंट करा करो यार, तुम लोग का कीबोर्ड मतलब ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो कुछ लोग करते हैं कमेंट जिनका काम करता है, और कुछ लोग तभी करते हैं जब नहीं करता है। तो अगर नहीं करता तो गाइस बिल्कुल करना, क्योंकि तभी नहीं पता लगेगा मुझे कि आपका कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं, ट्रिक काम करा कि नहीं। और मैं कुछ सजेशन तभी नहीं दे सकता हूँ। और आगे जो भी ट्रिक्स पता लगेंगे मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में, तो मैं वो सारी अपडेट कर दिया करूँगा इसी ब्लॉग पे। तो जाना ज़रूर, लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस साइट पे आ जाओगे। आपको इन सारे पॉपअप्स को क्लोज कर देना है। ये वाला भी क्लोज कर देना है। जो जो आएगा पॉपअप सब क्लोज कर देना है। नीचे ओपन एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है सबसे नीचे। और ये फिर एक साइड कर लो, 10 सेकंड वेट करने के लिए बोल रहा है। इस क्रॉस चिन्ह पे एक क्लिक करके बंद कर देना है ऐड, और इसे भी क्लोज कर देना है। नीचे आना है, एक सेकंड, यहाँ पे ओपन कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करना है। और ये मेरा इंटरनेट ज़्यादा स्लो है गाइस। यहाँ अनलॉक पे क्लिक करना है, ये जो अनलॉक लिंक है इस पर क्लिक करना है, और नया पॉपअप खुल जाएगा। आपको उस पॉपअप को बंद कर देना है, और ये वैलिडेट कर रहा है आपका ऐड क्लिक को सॉरी, ये आपका ऐड क्लिक को वैलिडेट कर रहा है। ये पूरा हो जाने के बाद आप साइट पे जा सकते हैं, और गेट लिंक पे क्लिक कर देना है, और वापस आना है उसी साइट पे, उसी टैब पे। और ये साइट पे आ गए। आपको ये चार वीडियोस हैं, 1 2 3 4, ठीक है। आप चारों को देखना है, ज़्यादा नहीं 20-20 सेकंड करके वीडियोस, ज़्यादा बड़े नहीं है। तो आई एम श्योर गाइस इसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट करना यार, यहाँ पे मैं अपडेट कर दूँगा आगे जो भी ये होगा, मुझे ट्रिक मतलब पता लगेगा। तो